हेलो, मैं विनोद चौधरी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के जो मेन क्वेश्चन है, जो 6 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वो मेन मेन क्वेश्चन आज अपन लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है कि एबीसी है वो समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसकी भुजा बीसी के ऊपर है ना। ये डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बीडी है वो बीसी का 1/3 है, बीडी बराबर बीसी बटा में 3 है, और सिद्ध करना है कि 9 AD² बराबर 7 AB²। तो इसके अंदर ये दिया हुआ है, वो लिख दिया कि समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा बीसी पर है, वो डी बिंदु इस प्रकार है कि बीडी बराबर 1/3 BC, और सिद्ध करना है कि 9 AD² बराबर 7 AB². अब इसमें अपने को रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे कि ए जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, वो कौन सी भुजा पर अपन ड्रॉ करेंगे, बीसी के ऊपर। तो ए परपेंडिकुलर है वो बीसी के ऊपर, ये रचना की है। अब उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले तो AB बराबर BC बराबर AC क्यों है ये, क्योंकि आपको ABC है वो समबाहु त्रिभुज दिया गया था, तो ये तीनों बराबर है भुजाएं। उसके बाद ये लंब दिया गया है, AE लंब है BC पर, तो AE अगर BC पर लंब है तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज की, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि अगर उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वह उसकी जो जिस भुजा पर आप लंब डाल रहे हो उस भुजा को वह समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहां जो BE और जो EC है, ये दोनों भाग किसके आधे हो जाएंगे, BC के आधे हो जाएंगे। और ये तो अपन ने लंब के अकॉर्डिंग रचना जो की है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। अब एक आपको जो दिया हुआ है कि जो BD है, BD बराबर क्या है, 1/3 BC, ये समीकरण नंबर 3 बना देते हैं, ये दिया हुआ है। अब इन तीनों समीकरण के बाद, जैसे एग्जाम्पल के अंदर किया, उसमें बहुत सारे त्रिभुज लेकर के उसको सोल्व किया गया, तो अपन इसमें सिर्फ एक ही त्रिभुज लेंगे और उससे इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखो अपने पास AD² आ रहा है, तो स्क्वायर आने का मतलब यहां पे बोधायन थ्योरम लग रहा है। तो त्रिभुज AED है, जो इसमें AD क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है, हाइपोटेन्यूस बन रहा है, तो अपन त्रिभुज ये एक ही लेंगे जिससे पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। AED ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये बिंदु पर 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज AED में, AED के अंदर आप बोधायन प्रमेय लगा दो, तो बोधायन प्रमेय से क्या रिजल्ट मिलेगा कि AD इसमें कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वेयर AD² बराबर, इसमें लंब कौन सा है, AE, तो AE² प्लस DE आधार है, तो ये DE², तो ये लिख दिया बोधायन प्रमेय से अपन ने समकोण त्रिभुज ADE के अंदर ये रिजल्ट। अब अपने पास AD और AB आना चाहिए सिद्ध करने के अकॉर्डिंग, तो AD है इसको तो एज इट इज रखेंगे, बाकी ये जो दोनों है इसका रिप्लेसमेंट करके अपने को AB बनाना है इसका। तो देखिए जो DE है, ये DE अगर आप पूरी BE में से, इस BE में से अगर BD माइनस कर दो तो कौन आ जाता है, DE आ जाता है, तो इससे आप DE की जगह क्या लिख दोगे, BE - BD, तो AD² बराबर AE² प्लस DE का रिप्लेसमेंट कर रहा हूं BE - BD से, और इसका ये क्या है, होल स्क्वेयर। अब यहां पे A - B का स्क्वेयर वाली आप प्रॉपर्टी से इसको ओपन कर दीजिए, तो AD² बराबर AE² प्लस A का स्क्वेयर करोगे तो BE का स्क्वेयर प्लस BD का स्क्वेयर -2BE × BD, तो ये A - B का स्क्वेयर वाली प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने। यहां जो AE² प्लस BE² आ रहा है, तो A तो है लंब और BE है आधार, तो लंब स्क्वेयर प्लस आधार स्क्वेयर क्या होगा, कर्ण स्क्वेयर, तो कर्ण कौन बन रहा है यहां पे, AB, तो इस पूरे की जगह अपन क्या लिख देंगे, AB का स्क्वेयर। और BD जो है वो BD किसका आधा है, BD जो है BC का 1/3 है, ये तो इसकी जगह लिख देंगे BC/3, और जो BE है वो BC का क्या है, आधा, तो इसकी जगह लिख देंगे BC/2, और जो BD अगेन आ रहा है उसकी जगह लिख देंगे BC/3, तो ये इन सभी की जगह अपन रिप्लेस कर रहे हैं, तो AD² बराबर AE² प्लस BE² की जगह क्या लिख देंगे, ये AB² आ गया, क्योंकि ये
लंब था और ये आधार था, तो इन दोनों की जगह ये आ गया। फिर आगे प्लस बीडी जो है, बीडी और बीसी का एक तिहाई है, तो इसकी जगह लिख देंगे बीसी बटा में तीन, या लिख सकते हो एक बटा तीन, बीसी दोनों ही सही है। तो इसका स्क्वायर था। आगे माइनस, आगे दो गुणा में बीई गुणा में जो बीडी है, तो माइनस का दो गुणा में बीई की जगह क्या लिख देंगे, बीसी बटा में दो, तो ये है बीसी बटा में दो। और आगे गुणा में बीडी की जगह क्या लिख देंगे, बीडी की जगह लिख देंगे बीसी बटा में तीन। तो ये रिप्लेसमेंट समीकरण नंबर एक दो और तीन से किया है। अब ए डी स्क्वेयर बराबर, ये ए बी स्क्वेयर है प्लस ये इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये आ गया बी सी स्क्वेयर बटा में तीन का स्क्वेयर होता है नौ, माइनस दो से दो कट गया है, बी सी का बी सी से गुणा होगा तो बी सी स्क्वेयर बटा में आ गया है तीन। अब देखिए समीकरण नंबर एक में क्या है, ए बी बी सी और ए सी बराबर है, तो अपने को आंसर में सिर्फ ए बी लेकर आना है। तो यहां तो ए बी है, इन दोनों बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, समीकरण नंबर एक से ए बी लिख सकते हो। तो आप समीकरण नंबर एक से इसमें चेंज करोगे, ए बी की जगह तो ये ए बी स्क्वेयर ही है, प्लस बी सी की जगह ये क्या लिख दिया, ए बी स्क्वेयर बटा में कितना है नौ, बी सी की जगह लिखेंगे ए बी तो ए बी स्क्वेयर बटा में तीन। ये समीकरण नंबर एक से चेंज किया है। अब आप राइट साइड में जो है उसका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम एक नौ और तीन का एलसीएम कितना आएगा, नौ आएगा, एक का भाग नौ में देंगे तो ये नौ बार जाएगा, नौ का ए बी से गुणा करेंगे तो नौ ए बी स्क्वेयर प्लस नौ का नौ में भाग एक बार, एक का ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वेयर माइनस तीन का नौ में भाग तीन बार, तीन का ए बी से करेंगे तो तीन ए बी स्क्वेयर, और इधर कौन है ए डी का स्क्वेयर। अब ये ए डी स्क्वेयर बराबर नौ और एक, ये तो जाएगा दस ए बी स्क्वेयर, दस में से तीन घटेगा तो सात ए बी स्क्वेयर बटा में कितना है नौ। अब आप वज्र गुणा कर दीजिए, नौ का एक से होगा, नौ का ए डी से होगा तो नौ ए डी स्क्वेयर बराबर सात का एक से होता तो सात ए बी स्क्वेयर। तो ये आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो यहां इतना तो दिया हुआ था, तो वो सेम पार्ट अपन ने दिए हुए के अकॉर्डिंग लिखा है, बस जो अपन ने प्रोसेस किया इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए वो ये और ये इतना पार्ट किया, जबकि एग्जाम्पल के अंदर जब आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम दो पेज आपके कॉपी के आप भरोगे, इतना बड़े एग्जाम्पल के अंदर किया हुआ है। तो इस तरह से कीजिए, एकदम से होगा, और आप एग्जाम्पल वाला करोगे तो उसमें आप गलती कर सकते हो कोई ना कोई ट्रायंगल लेने में, इसमें आप कोई गलती नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में छह नंबर में 100% इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का।